मुगलों के हरम के रिवाज के मुताबिक केवल बादशाह या फिर चिकित्सक ही हरम के अंदर प्रवेश कर सकते थे, यानी कि इनके अलावा कोई भी अन्य मर्द हरम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि हरम में बादशाह वहां रह रही किसी भी महिला के साथ संबंध बना सकता था, चाहे वो जायज हो या फिर नाजायज, मगर उन महिलाओं को किसी अन्य मर्द को देखने तक की इजाजत नहीं थी। खैर, हरम के बारे में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें कुछ ही लोग जान पाए और अपनी लेखनी के जरिए वो लोगों तक इन रहस्यों को लेकर आ पाए। आज इन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हरम में मौजूद महिलाएं अपना जीवन व्यतीत करती थी, कैसे हरम में रह रही कई महिलाओं को यौन सुख की प्राप्ति नहीं होती थी और वे महिलाएं यौन सुख की प्राप्ति के लिए क्या किया करती थी। दरअसल हरम एक ऐसी जगह थी जहां एक बार महिलाएं प्रवेश कर ले तो वहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। यानी कि आज की भाषा में बात की जाए तो ये एक ऐसी जगह थी जहां महिलाओं को किडनैप करके रखा जाता था। बस फर्क इतना था कि यहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती थी, केवल एक सुख के। खैर, जब किसी पंछी को पिंजरे में कैद करके रखोगे तो वो फड़फड़ाने की कोशिश तो जरूर करेगा, साथ ही पिंजरे से बाहर निकलने की भी कोशिश करेगा। हरम में रह रही सभी महिलाएं उस पंछी की तरह थी जो हरम के उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाती थी, और ना ही औरतों और बच्चों के अलावा किसी को हरम में देख पाती, और बादशाह के दीदार भी उन्हें कभी कभार ही हो पाते, जिसके बाद इन महिलाओं के अंदर किसी अन्य मर्द को देखने की चाहत और बढ़ती जाती। कहते हैं ना कि अगर आप किसी पर कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगा देते हैं तो वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेता है अपनी चाहतों को पूरा करने का। हरम में मौजूद इन महिलाओं ने भी कुछ ऐसे ही तरीके निकाले किसी अन्य मर्द को देखने या फिर उन्हें स्पर्श करने का। दरअसल हरम में बादशाह के अलावा केवल चिकित्सकों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी, और वो भी हरम के अंदर कुछ कड़े नियमों के साथ प्रवेश किया करते थे। हरम में प्रवेश करने से पहले वहां तैनात कुछ हिजड़े इन चिकित्सकों को उनके सिर से लेकर कमर तक एक कपड़े से ढक दिया करते थे, जिसके बाद ये हिजड़े ही इन चिकित्सकों को बीमार महिला के कमरे तक ले जाया करते, और जब तक चिकित्सक महिला का इलाज ना कर दे तब तक वो हिजड़े वहीं उस चिकित्सक के पास बैठा करते। कई लेखकों द्वारा उनकी किताब के जरिए ये बताया गया है कि जब एक चिकित्सक हरम में महिला का इलाज करने पहुंचते थे तो वहां एक पर्दा हुआ करता था। चिकित्सक महिला को चेक करने के लिए पर्दे के अंदर हाथ डालते और दूसरी ओर से बीमारी का नाटक कर रही महिला इन चिकित्सकों के हाथ को पकड़कर चूमती और अपने शरीर के गुप्त अंगों से स्पर्श कराती। अब किसी की चाहत को अगर इतना दबाओगे तो वो चाहत मौका मिलने पर उतने ही जोर के साथ बाहर आएगी। ऐसा कहा जाता था कि क्योंकि इन महिलाओं को किसी मर्द को देखने तक की अनुमति नहीं थी, इसी कारण वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक रचती और चिकित्सकों को स्पर्श करने का मौका ढूंढती। अब हरम के भीतर का नजारा असल में होता कैसे था? हरम एक ऐसी अलग दुनिया थी जहां मुगलों की पत्नियां और उनकी रिश्तेदार रहा करती थी। इसके साथ ही यहाँ अलग अलग देशों से अलग अलग धर्म और संस्कृतियों की महिलाओं को लाकर रखा जाता था। ये महिलाएं हरम में जन, निगाह, नियुक्तियां और उपहार के रूप में दाखिल होती थी, और एक बार ये महिलाएं हरम के अंदर दाखिल हो गईं, तो उसके बाद उनका अपनी मर्जी से वहां से बाहर निकलना असंभव था। हरम के अंदर केवल महिलाएं ही नहीं रहा करती थी, यहाँ बच्चे पैदा हुआ करते थे, यहीं उन्हें पाला पोसा जाता था। हरम के अंदर हर सुख सुविधा मौजूद थी। यहाँ सामान खरीदने के लिए बाजार थे, कपड़े सिलाने के लिए दर्जी थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल थे, खेलने के लिए मैदान थे। यानी कि हरम के अंदर हर सुख सुविधा थी, बस यहाँ की महिलाओं को यहाँ से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। इसके साथ ही हरम के अंदर एक शाही खजाने का कक्ष भी हुआ करता था जहाँ जरूरी दस्तावेजों को रखा जाता था। कई बार बादशाह यहाँ अपना शाही काम भी किया करते थे ताकि उन्हें ये काम करते हुए कोई भी बाधा ना हो। हरम आकार में इतना बड़ा हुआ करता था कि यहाँ की कई दासियों की उम्र निकल जाती थी, मगर वो बादशाह का दीदार एक बार भी ना कर पाते थे। वहीं हरम में मौजूद शाही परिवार की औरतों के लिए हर सुबह कपड़े आते, वो उन कपड़ों को एक दफा पहनती और फिर वो शाही कपड़े दासियों को दे दिए जाते। हरम के अंदर महिलाएं ऐशो आराम भरा जीवन व्यतीत करती, मगर इन सभी सुख सुविधाओं के परे उन्हें यहाँ केवल एक ही चीज की कमी थी, बाहरी दुनिया में खुलकर सांस लेने की। यहाँ तक कि बादशाह की मृत्यु के बाद भी उन्हें हरम छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जब बादशाह की मौत हो जाती तो उनकी बीवियों को हरम के एकांत हिस्से, जिसे सुहागपुर कहा जाता है, वहां ले जाया जाता था। वहीं ये भी कहा जाता है कि जब एक मुगल बादशाह अपनी किसी पत्नी के साथ समय बिताना चाहते तो उनकी पत्नी के कक्ष को अच्छे से सजाया जाता। इसके बाद जब बादशाह कक्ष में प्रवेश करते तो वहां तैनात दासियां बादशाह के कपड़े उतारकर उनके शरीर में चंदन और शीशम का लेप लगाकर उनकी मालिश करती।
वहीं दूसरी ओर कुछ दासियां रेशम के पंखों से बादशाह के लिए हवा करती तो कुछ गुलाब जल का छिड़काव करती। साथ ही साथ कुछ दासियां बादशाह को शराब का सेवन भी कराती। इसी दौरान अगर बादशाह को उन दासियों में से कोई दासी पसंद आ जाए तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर उस दासी के साथ पूरी रात बिताते। इससे ये समझा जा सकता है कि यदि बादशाह को हरम में मौजूद कोई महिला पसंद आ जाए तो उस महिला को यौन सुख की प्राप्ति होती थी, और जो महिला बादशाह को नहीं भाती उसे जिंदगी भर उस हरम के कड़े नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता और उसे अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी मर्द के गुजारनी पड़ती।